आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है सेल टेक, जिसको वो मार्केट में हम पक्के का काम भी बोलते हैं। आप कहीं वर्किंग करने जाओगे तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको सेल टेक्स का काम आता है? नमस्ते, आपको क्या पक्के का काम आता है? तो पक्के का काम तो जिसको हम सेल टेक्स का काम बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप पक्के काम स्टार्ट करोगे तो नमस्ते कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ को समझ लीजिए। पहला आता है टिन नंबर। टिन नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। टैक्स टिन नंबर किन दुकानों के पास होता है? जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं और समय अनुसार गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराते हैं। टिन नंबर किसी को मिल सकता है? आई बताता हूँ, उनको बोल दो वो सीख कर देंगे। टिन नंबर कितने अंक का होता है? 11 अंक का। दिल्ली कितने शुरू होता है आपका? 07 से। अब आती है वैट की फुल फॉर्म होती है। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। क्या होती है? वैल्यू एडिड टैक्स। नहीं, वो सर्विस नहीं होती है, वो बाद में बता दूंगा। वैल्यू एडिड टैक्स होता है। टैक्स आपका तीन तरह का होता है। एक होता है टैक्स फ्री, जैसे कपड़ा किस में आएगा आपका? टैक्स फ्री में। नॉर्मल आइटम, ये वाली आइटम कीबोर्ड माउस कितने पे आएगा आपका? 5% पे। और जो 10,000 से बड़ी आइटम होंगी जितनी दिख रहे हो LCD, तो कितने में लगेगा उस पर? 12.5%। अगर कोई आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछेगा तो बताओगे वैल्यू एडिड टैक्स होती। अगर कोई मतलब पूछेगा तो बोलोगे सर जब सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करती तो क्या लगता है? वैट। CST सेंट्रल सेल टैक्स। अगर दिल्ली की पार्टी कहीं और माल बेचेगी तो क्या लगता है? CST, जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल टैक्स। इसमें एक कंडीशन है, अगर वो प्रूफ देगा तो कितने परसेंट टैक्स लगाएंगे हम? 2%, नहीं तो 5 या 12.5%। अब 2% क्यों लगाएगा? क्योंकि सामने वाली पार्टी अगर हमें प्रूफ देगी तो कितने परसेंट चार्ज करेंगे? 2%। कहती है अगर मैं प्रूफ नहीं दूंगी तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे? आइटम को देखोगे, 5 वाली होगी तो 5, नहीं तो आप 12.5 को लेके चलेंगे। सेल में दो तरह की बुक होती है, पहली होती है टैक्स इनवॉइस, दूसरी होती है आपकी रिटेल इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है जब सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है और दोनों का टिन नंबर कितने से स्टार्ट होना चाहिए? 07 से। तो किस में जाएगा आपका? टैक्स इनवॉइस में। दूसरा आता है रिटेल इनवॉइस। इसमें तीन तरह की सेल होती है। पहली होती है एग्जाम, जब कोई टैक्स नहीं, जैसे नॉर्मल आइटम किसे मिल कटेगा आपका? रिटेल में। दूसरी आती है रिटेल इनवॉइस। ये आपने हमेशा देखा होगा जब आप बिल लेने जाते हो, मोबाइल या कोई आइटम परचेज करते हो, तो आपका बिल किस में कटता है? वो रिटेल इनवॉइस में। क्योंकि अब पता है क्यों? क्योंकि आपके पास टिन नंबर नहीं है। अगर आपके पास टिन नंबर होता तो किस कैटेगरी में आ जाते आप? टैक्स इनवॉइस में। और एक लास्ट कंडीशन आती है सी फॉर्म, जब एक राज्य की पार्टी दूसरे राज्य में ट्रांजेक्शन करती है उसका टिन नंबर अलग अलग होता है तो क्या लगेगा आपका? CC फॉर्म, जिसको हम CST बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये बता रखा है कि अगर प्रूफ देगा 2%, नहीं तो 5 या 12.5%। अब इसके अंदर एक कंपनी खोलते हैं, पूरा डाटा करेंगे। कृष्णा, मोहित और अमित और कुणाल दोनों इधर आ जाना, सबके सब देख लो, एक बार रिवीजन हो जाएगा। पकड़िए, इस नाम से मैं कंपनी बना लेता हूँ, आपने देखा होगा। कोई नहीं, ऐसा हटा देता हूँ, बाकी एड्रेस डालने की जरूरत है अगर आप फिल कर दो। वो एस नाम की कंपनी बनी हुई है। अब यहाँ अपनी कंपनी का टिन नंबर डालेंगे, जो भी टिन नंबर होगा, यही टिन नंबर दूसरे लोगों के लिए क्या बन जाएगा? CST नंबर, तो दोनों के लिए डाल देंगे। और एंटर एंटर सेफ। अब देखिए कॉपी में ध्यान से, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करना और इसी के हिसाब से आपको मार्केट में जहाँ भी आप वर्किंग करोगे उसके हिसाब से आपको देखना। सबसे पहले देखिए तारीख कितनी है? 4, बिल नंबर 101, पार्टी का नाम क्या? FFF। क्या आइटम खरीदी हमने? क्लोथ 1। कितनी? 100 पे। इसका टिन नंबर कितने शुरू हो रहा है? जो हम कंपनी बना रहे हैं उसका टिन नंबर कितने से? तो कहाँ की पार्टी हो गई? दिल्ली की हो गई। कौन सी बुक में जाएगी? पूरा नाम बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस में जाएगी। अब सुरेंद्र ध्यान से, टैक्स इनवॉइस में क्यों जाएगी? नहीं, दोनों का जीरो जो शुरू से स्टार्ट होते हैं वो दोनों आपस में सेम है, तो इसलिए किसमें जाएगा आपका? टैक्स इनवॉइस में। दूसरा देखो, टिन नंबर कितने से? तारीख 2,
एक बाउचर नंबर 103 पार्टी नाम ये किलो होती है, इतनी क्वांटिटी कितने स्टार्ट है, क्या लगा है 2%, इसका मतलब बाहर वाली पार्टी में क्या दे रही है सी फॉर्म। इसका आगे देखिए फैज है, डायनम है 2000 किलो, नो टैक्स, इसका मतलब किसमें कटेगा बिल, वैट एग्जाम में। अब देखो इसका चिन्ह नंबर है लेकिन इस पर 5% टैक्स लगा, क्या लगेगा वैट आर, क्या सर रिटेल इनवॉइस कंडीशन में नहीं आ गया। ये देख अभी क्या बताया था, जब सामने वाले के पास टिन नंबर नहीं होता तो बिल किसमें कटता है, अगर टिन नंबर होता बाहर का होता तो किसमें चला जाता वो टैक्स इनवॉइस में जाता, लेकिन सीएसटी में, अगर टिन नंबर 07 वाला तब इसमें आता, अगर किसी और का होता तो कहाँ जाता रिटेल में, यहाँ पर। भैया इसमें एक बात बताइए ना, थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि सी फॉर्म अगर देगा तो 2% लगेगा, नहीं तो आइटम के हिसाब से लगेगा। सपोज आप, मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूँ, आप हरियाणा से आए मुझसे माल लेने, आपने कहा सर मुझे 10 कीबोर्ड चाहिए, मैंने कहा आप ले जाओ, मैंने आपसे पूछा आप सी फॉर्म दोगे, आपने कहा जी दूंगा, तो कितने परसेंट लगेगा, आपने कहा नहीं दूंगा मैं सी फॉर्म, कितना, फिर आइटम को देखेंगे, आइटम का नेचर का 12.5 होगा तो 12.5, नहीं तो 5%, ठीक है। एग्जाम होगी तो एग्जाम, एग्जाम तो कभी नहीं आता। अब बात आती है कि सर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा कि 2% यहाँ पर लगा रही, क्यों लगा रही है गवर्नमेंट, तो आप क्या बता सकते हो इसमें से कोई भी, आप में से यहाँ गवर्नमेंट 2% सीएसटी क्यों लगाती है, क्योंकि ज्यादा लोग खरीदने आए, 3% की छूट मिलेगी, यहाँ 5% यहाँ कितना है 2%, अगर 12.5% होगा तब भी कितना लगेगा 2%, तो 10% की छूट होगी। हर गवर्नमेंट हर स्टेट की पार्टी यही करती है, जैसे आप यूपी में जाओ उसमें टैक्स कितना लगता है 1%, ठीक है, क्योंकि हर एक दुकानदार या एक स्टेट चाहती है कि मेरी सेल ज्यादा हो ताकि मेरी जो प्रॉफिट हो वो ज्यादा हो जाए। अब ध्यान से देखना कैसे करें, सबसे पहले जाएंगे ट्रांजेक्शन में, परचेस पे गए, परचेस करनी सबको आती है, ऐड मारा, मेन क्या होती है मेन एक सीरीज, इसके अंदर हम सारा काम थे सेव करते हैं, डेट कितनी है 4, वाउचर नंबर कितना है आपका 103। अब यहाँ 2 मिनट रुकना, चाहे देख लेना मेरी कंपनी का टिन नंबर कितने से स्टार्ट है 07, इसका कितने से स्टार्ट है 07, तो मुझे पता चल गई थी एक स्टेट की पार्टी, पहली बात तो वैट लगेगी। अब इसमें आर वाला तो है नहीं क्योंकि आइटम का जो नेचर दिया उसने कितना बताया 5%, 1% तो सोने पे लगता है, 12.5% किस पे लगता है इलेक्ट्रिसिटी आइटम या 10,000 से बड़ी होती है। अब बचा आपका वैट आर वाला और वैट टी वाला, टी वाला होता है टैक्स इनवॉइस, आर वाला होता है रिटेल इनवॉइस, तो बिल किसमें कटेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास भी टिन नंबर है और हमारे पास भी टिन नंबर है। अब पार्टी बनानी तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है F3, यहाँ पर F3 लिखेंगे, एंटर 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 SUN सेंडी क्रिएटर्स इसको नो। एक चीज और करके चलना कि आप चाहते हो कि बार बार गलती ना हो तो यहाँ पर लिखा होता है स्पेसिफाई डिफॉल्ट परचेस टाइप, कि जब भी अगर ये पार्टी आए तो क्या लग जाए वैट 5% टी। अब इसका एग्जाम्पल दिखा, देखिए अब जो इसका टिन नंबर को यहाँ डालेंगे, ध्यान से अगर आपने कम डाल के सेव करोगे तो आपको पहले ही अलर्ट करेगा, टिन नंबर कितने का होता है 11 और 12 का, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, एक ज्यादा हो गया तो उसने मुझे अलर्ट कर दिया, अभी एक ज्यादा हो रहा है, ठीक है सेफ हो गया। अभी तो मैंने यहाँ क्या डाला है वैट 5% आरटी वाला, अगर गलती से मैं यहाँ पर सी फॉर्म ले लूँ, सी फॉर्म डाल दिया, मैं जल्दी जल्दी काम करूँ, ध्यान नहीं रहा, मैं जैसे ही इंटर मारूंगा ऑटोमेटिक क्या कर देगा आपका वैट, आप गलती भी करोगे तब भी गलती नहीं होने देगा, जब भी इसका नाम आएगा एफएफ वाले का नाम, हाँ तब भी। अब माल कहाँ रखना है मेन स्टोर में। अब क्या आइटम ने परचेस करी इससे, क्लॉथ 1, तो F3 करेंगे और लिखेंगे क्लॉथ 1, ग्रुप में क्या डाल देंगे KG, क्या रेट 60 रुपए 75 पैसे और 50 रुपए 75 पैसे। अब आता है टैक्स कैटेगरी, कितने परसेंट टैक्स लग रहा है 5%। तो ये जो हम काम करते थे तो करते थे 1 अप्रैल 2016 से पहले, ये एग्जाम एज सिंपल करके चलते थे, बट गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला आफ्टर 1 अप्रैल के बाद कि उन्होंने बोला कि जो भी आपका बनेगा यहाँ पर उसका एक, अब इस आइटम को मैं इस नाम से नहीं जानता, मैं क्या जानूंगा इसके कम्युनिटी कोड से, क्या होता है कम्युनिटी कोड, तो कोड की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, लिस्ट मिलेगी आपको गूगल से, मैं दिखाता हूँ कैसे लिस्ट लाओगे आप, यहाँ लिखेंगे डी वैट देन इंटर, तो आपको क्या खुल के आएगा डिपार्टमेंट वैल्यू एडेड टैक्स। अब यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनकी वो कोर्ट की लिस्ट आएगी, अपने आप वो चल रहा होगा,
यहाँ पर आएगी, इस पे माउस लेके मत जाना वरना स्टॉप हो जाएगा। क्लिक हाँ पूछो, क्योंकि इसमें इसमें केजी में आ रहा है ना, इसमें केजी में दिख रहा है ना। अब देखो लिस्ट खुल गई, दोबारा में जाके खोलनी पड़ेगी मैन्युअली, एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डाउनलोड जनवरी, इसको ओपन करते हैं। ये आपकी शेड्यूल वन के हिसाब से लिस्ट है, तो जो भी आपकी आइटम की कैटेगरी होगी, जैसे यहाँ ब्लड शेड्यूल वन शेड्यूल टू ऐसे नहीं दे रखा, बना रखा है कैटेगरी। हाँ जैसे आप यहाँ पर देखना पड़ेगा ना आपको, जैसे ये देखिए ये कोड है, ठीक है आप आगे जाओगे तो आपको गैस का कोड ये है, ठीक है फुटवेयर का कोड आपका ये है, क्लोथ का कोड आपका कंट्रोल एफ कर दो या लिखो क्लोथ देन एंटर। क्लोथ कहाँ पर आया आपका, ये रहा क्लोथ, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये है आपका बुक शेड्यूल वन जी 50 पे। तो आपको कहाँ जाना है, आप जहाँ खड़े हो यहाँ है क्लोथ। देखो सभी क्लोथ के लिए क्या कोड बनाया आपका, ये कोड बनाया, ठीक है देन ये अगर 50 रुपये से नीचे होगा तो 5% लगेगा, 500 रुपये से अगर उससे ज़्यादा होगा तो कितना लगेगा आपका 12.5। तो इसमें क्राइटेरिया अगर ना समझ में आया तो आप टैक्स रेट पे जाओ, यहाँ से देख सकते हो। अगर गारमेंट आइटम कोई 5000 से ऊपर तो कितने पर चार्ज करेंगे उस पर 12.5 नहीं तो 5। अगर स्कूल बैग आइटम 300 रुपये से नीचे तो 5% नहीं तो 12.5। अल्कोहल पर आपका कितना परसेंट लगेगा, 20%, ठीक है और यहाँ से देख सकते हो अगर 500 से नीचे है तो 5% नहीं तो आपका 12.5%। स्वीट्स पे आपका वो क्राइटेरिया दे रखे उन्होंने, ठीक है तो उसके हिसाब से लग जाएगा। तो हमारा जो कोड था हम उसको कॉपी करते हैं और उसी में जाके हम क्या करेंगे पेस्ट। याद रखना ध्यान नहीं, यहाँ से कोड डालना पड़ेगा और आगे जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता है क्लोथ डाल के सेव करना। एक काम और करना कि जो इसके आगे ऐसे लिख देना क्लोथ 5% और 00, ठीक है सेफ। अब पता है ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि कल को अगर सेम कैटेगरी की आइटम आएगी तो बस आप इस पर एंटर मारोगे कोड ले लोगे। एक चीज़ याद रखना, जो हमने यहाँ लिखा इस समय कोई मतलब नहीं है, ये खाली हमें विजुअल हो रहा है, यहाँ दिख रहा है बस। जो मेन 5% है वो इसके नेचर में यहाँ पर है, ये है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो खाली नाम है, जैसे आपका नाम है वैसे यहाँ पर नाम है, किस फॉर्मेट का नाम क्या है 5। सपोज अगर कोई नई आइटम आएगी तो आप क्या करोगे F3 करके एक नया बनाओगे, लिखोगे 5% और जो उसकी कैटेगरी से बिलोंग करती है उस कैटेगरी को में आप डालोगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सिंपल तरीका बताऊँ तो क्या, ओल्ड प्लस M करना F12 करना डुप्लीकेट बना लेना, डुप्लीकेट बन जाएगा उसका कोड चेंज कर देना, यहाँ से कोड चेंज करना और जो डिस्क्रिप्शन हो वो चेंज कर देना बस। जैसे अगर इसी पूरे डाटा को कॉपी करना, ओल्ड प्लस M से क्या होता है मॉडिफाई होता है, F12 से क्या होता है कॉपी, F12 से मैं पूरा कॉपी कर दो पूरा वाउचर हमारा कॉपी होगी, जिस पे ऊपर लिख के आ गया डुप्लीकेट कॉपी। सपोज कोई और आइटम आती है जिसका कोड कोई अलग है तो बस आपको यहाँ से कोड चेंज करना होगा, जैसे 7 आ गया यहाँ भी 7 करना है, ठीक है बस सेव कर दो बस, तो आपका फटाफट बन जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है और इसको सेव कर दो। कितनी क्वान्टिटी खरीदी है हमने इससे, 100 तो 100 डाल दें, ऊपर बैठे तो नीचे भी आपका क्या आ जाएगा बैठ। तो मतलब इस बिल पे गवर्नमेंट को कितना पैसा देंगे हम, ये पार्टी देगी कितना 253 रुपये, हम इसको दे देंगे इतना बैलेंस ही अपने आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा, देन सेव करेंगे, ये जो बिल नंबर आएगा वही यहाँ वाला डाल देंगे और देन सेव कर दें, सेव हो गया। देन आगे 2 तारीख बिल नंबर 103, अब 2 मिनट के लिए वहाँ पर रुकिए, हमने कहीं गलती कर दी, 103 नहीं 101 होता वो पहले वाला, हमने गलती से 100 कितनी थी रेट 1 तारीख है तो 1 तारीख डाल दी,
और इसको सेव करें। सेव हो गया, अब दोबारा चलते हैं। अब इंटर, अब दो मिनट यहाँ पर रुकेंगे। देखिए इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, 07 से। अपना कितने से स्टार्ट है, तो कहाँ की पार्टी होगी, बाहर की पार्टी होगी, तो क्या लगेगा आपका, सी फॉर्म, सी सी फॉर्म। पार्टी का नाम क्या है, एफ ए क्यू एफ थ्री करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ ए क्यू और इंटर मार के लिखेंगे एस यू एन सन्डरी क्रिएटर्स, और यहाँ जाके भी लिख सकते हो आप सी सी फॉर्म। ठीक है, अब कहाँ की पार्टी हमें पता नहीं, तो स्टेट में क्या लिख देंगे, अदर, और उसका टिन नंबर ही हमारे लिए क्या बन जाएगा, सी एस टी नंबर, और इसको सेव कर दें। ठीक है, अब जैसे ही इंटर मारूंगा ट्रांसपोर्ट आएगी कि माल कहाँ से आया है, तो जो ट्रांसपोर्ट माल लेके आई होगी उसका नाम डाल देना आप यहाँ पर। जैसे होती है ना, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट माल लेके आती हैं, अगर आप इंदौर गए तो आपने बुकिंग करवाई तो वहाँ से आप तो लेके नहीं आओगे, कोई ट्रांसपोर्ट ही लेके आएगी तो उसका नाम आ जाएगा। देन उसके बाद क्या आइटम खरीदी हमने, क्लोथ टू, यहाँ पर एफ थ्री करेंगे, लिखेंगे क्लोथ कितना टू, किस में आ रही है, केजी, केजी 60 रुपये 75 पैसे, 50 रुपये 75 पैसे, और यहाँ पर वही कैटेगरी डाल देंगे 5% और सेव। एक चीज़ याद रखना कि आप बोलो सर मेरे पास तो क्लोथ सिल्की नाम से या किसी और नाम से, कोई भी क्लोथ हो उसका कोड क्या होगा आपका, यही कोड होगा। जैसे फुटवेयर का कोड सेम है, चाहे वो नाइक का हो चाहे एडिडास का हो, सबका कोड एक जैसा रहेगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर आके लगेगा 2%। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान समझिए, इसने क्वेश्चन बोला कि सर आइटम पे तो 5% लग रहा है, आइटम पे कितना लग रहा है 5%, और लेकिन आप बाहर डाल लो 2%, इसमें क्या अंतर है। दो तरह का टैक्स होता है, एक होता है आइटम के अंदर, ये बोलते हैं आइटम वाइज टैक्स, और इसे बोलते हैं पूरे को वाउचर वाइज। ये पूरा टैक्स क्या कहलाता है आपका, वाउचर वाइज, और ये क्या कहलाता है, आइटम वाइज। अब पता है 5% इसलिए लगा क्योंकि आइटम का जो नेचर है वो कितने वाला है, 5% वाला, लेकिन खरीद रहे कहाँ से, बाहर से, और बाहर की कंडीशन क्या कहती है कि आपका 2% टैक्स लगेगा। तो याद रखना यहाँ पे आप 2 डालोगे तो भी नहीं आएगा, क्यों, 2% टैक्स लगता ही नहीं है किसी आइटम पे, या तो एग्जाम्ड है 12.5% या 5%। ठीक है, तो आपको हमेशा वहां दो, यहाँ तो हमेशा 5 से 12.5 डालना, नीचे क्या डालोगे आप 2। अब इस पार्टी को हमें क्या देना होगा, सी फॉर्म देंगे, क्योंकि क्यों देंगे, क्योंकि हमने इससे परचेस करा, तो हमें इसको क्या देना पड़ेगा, एक सी फॉर्म। अब मैं जैसे सेव करूंगा सबसे पहले बिल नंबर डालूंगा, सबसे इसको सेव करते 103। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट एंट्री देखिए, देखो नीचे लिख के आ रहा है, ये क्या हो रहा है। अब इसने अमाउंट को हमें क्या देना है, इस पार्टी को सी फॉर्म देना। अब मैं 3 महीने बाद जब ये क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगी तब मैं जाऊंगा गवर्नमेंट के पास, कहूंगा सर मैं यहाँ स्टेट में गया था, स्टेट से मैंने इस पार्टी से इस अमाउंट का क्या खरीदा, एक माल खरीदा, आप मुझे क्या दे दो, एक सी फॉर्म दे दो, तब वो देगी, तब मैं इस पार्टी को दूंगा। ठीक है, वरना इस पार्टी से 5% गवर्नमेंट चार्ज करेगी बाद में, अगर नहीं दूंगा सी फॉर्म। ठीक है, सी फॉर्म एक प्रूफ होता है, जैसे अब आपको कोई सर्टिफिकेट होता है, ऐसे गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है कि आप माल खरीदा है बेचा है। ठीक है, अगर आप खरीद के लाओगे तो आपको सी फॉर्म देना है, और आपने बेचा है तो वो आपको सी फॉर्म देगा। आगे देखिए ध्यान से इस एंट्री को पकड़ लो, देन तारीख कितनी है इसमें, 3, वाउचर नंबर 1006। अब यहाँ पर रुकिए, ना ही टिन नंबर दे रहा, ना ही टैक्स लगा, तो किसमें कटेगा आपका, वैट एग्जाम में। क्या नाम है, फैज, तो एफ थ्री करेंगे, लिखेंगे फैज, और ग्रुप में संडी क्रिएटर्स, इसको नो करेंगे, और कहाँ जाएंगे, अब इसका टिन नंबर डालने की जरूरत है नहीं, जब कुछ भी नहीं थे उसको नॉर्मल जैसे सेव करते हो वैसे सेव कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ और, जब भी आप किसी का पक्के का बिल काटोगे तो पूरी एड्रेस, टिन नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ फिल करके चलना। पहली बात है वो आपको देंगे सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन। उसका क्या आइटम खरीदिए, डायनम, तो उसमें डायनम डाल देंगे, एफ थ्री से बनाया है मैंने, के जी में कितना, 60 रुपये 75, 50 रुपये 75, देन टैक्स कैटेगरी में कितना डाल देंगे, एग्जाम, क्यों, क्योंकि कोई भी टैक्स नहीं लग रहा। कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 2000। ऊपर देखो आपका एग्जाम है, नीचे क्या करेंगे, ऐसे ही सेव कर देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर एग्जाम में तो कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, और नॉर्मल सेव कर देंगे। इंटर, 4 तारीख है, बिल नंबर आपका 1007। अब ध्यान देखिए, टिन नंबर दिया लेकिन कितने परसेंट टैक्स लगा है, 5%, तो ये कहाँ का आ गया, वैट 5% आर वाला। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है, कैश, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश, और सेव।
हो गया ठीक है। अब क्या आइटम खरीदी हमने इससे, पोलो आइटम खरीदी, तो F3 करेंगे, लिखेंगे पोलो, पोलो किस में आ रही है हमारी, केजी में, तो केजी डालेंगे 60 रुपये 75 पैसे और 50 रुपये 75 पैसे और डाल के यहाँ पर जाके टैक्स कैटेगरी में कितना डाल देंगे 5 और सेफ। कितनी क्वांटिटी खरीदी है इससे, 1000 तो 1000 सॉरी 100 खरीदी 100 डाल देंगे। अब ऊपर वैट लगा तो नीचे क्या डालेंगे, वैट। अब समझिए कि सर इस वैट में क्या अंतर है और नीचे वाले वैट में क्या अंतर है। याद रखना ये वाला वैट कब आता है, तब ऊपर टी वाला होता है, ये वाला होता है, और आर वाला कब आता है, जब ऊपर टिन नंबर ना हो तभी आता है। दोनों में एक और अंतर क्या है कि जो भी ये गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करूंगा ये गवर्नमेंट मुझे वापस कर देती है, लेकिन नीचे वाला वापस नहीं करती। क्यों करती नहीं करती है, क्योंकि वो कहती है कि आप मेरे पास रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो मैं आपको टैक्स वापस क्यों करूं। इसलिए हर कोई टिन नंबर लेता है, इसको F9 से हटाया था। इसका रीजन ये है कि इस पार्टी के पास टिन नंबर नहीं है और इसको आप सेव करें। सुरेंद्र का डाउट लगेगा तो पूछ लेना, आगे समझ में, क्योंकि इनकी कल क्लास में हो गया था आपका। नेक्स्ट 6 तारीख, बाउचर नंबर 1001, पार्टी का नाम हंस, ये आइटम है, ये क्वांटिटी बाहर की पार्टी, लेकिन 5% क्या लग रहा है टैक्स। इसका मतलब क्या नहीं दे रही है, सी फॉर्म नहीं दे रहा, हम इसको सी फॉर्म नहीं दे रहे ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, तारीख कितनी है 6, बिल नंबर 1007 1, अब क्या लगेगा सी फॉर्म ठीक है। लेकिन सी फॉर्म ये वाला कितने परसेंट वाला है, ये तो 2% वाला है। अगर आप इसको ओल्ड प्लस एम करके देखो तो कितने परसेंट लगेगा इसके अंदर, 2%। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, 5 वाला बनाएंगे ओल्ड प्लस एम और यहाँ करेंगे F12। F12 से क्या होता है, डुप्लीकेट आ जाएगा, और कितना कर देंगे यहाँ से 5%। और अब इससे सी फॉर्म तो देना नहीं है, इसको क्या कर देंगे अब टैक्सेबल, खाली हमें टैक्स देना, और 2 की जगह कितना कर देंगे हम लोग 5 और F2 करके सेव कर देंगे। नहीं आया समझ तो एक बार दोबारा देखिए, मैंने क्या करा इस पे गया ओल्ड प्लस एम करा, मॉडिफाई आ गया, फिर क्या करा मैंने F12 से डुप्लीकेट करा, और इसके आगे मैं इसका नाम लिख सकता हूँ सी फॉर्म या विदाउट सी फॉर्म भी कर सकता हूँ ठीक है, सीसी फॉर्म कर सकता हूँ। और सी फॉर्म देंगे नहीं तो क्या करूँगा, खाली टैक्स लेना तो टैक्सेबल, 2 की जगह 5 या 12.5 जो आपको करना है वो कर सकते हैं ठीक है। हो सकता है अगर जरूरत हो तो कर देना, आप कैसा कर, 2 तरह के आइटम 5 और 12.5 ठीक है। देन पार्टी का नाम क्या है वो डाल देते हैं ग्रुप में SUN ठीक है। इसका भी याद यूज करके कर लेना, एक बार ध्यान से कर दोगे दिक्कत नहीं होगी। इस शेड में क्या डालोगे अदर, और इसके टिन नंबर क्या बन जाएगा हमारे लिए CST नंबर, ऊपर जाएंगे और क्या कर देंगे यहाँ पर अदर है। सी फॉर्म में नहीं होता कभी वाला गैस, दो ही शो होते हैं, सी फॉर्म वाला नहीं होता उसके अंदर, बहुत रियर गैस है कि सी फॉर्म वाला पकड़िया है। देखो क्या आइटम खरीदी मैंने, क्या जिप 101, तो F3 करेंगे लिखेंगे जिप 101 आ गया। ग्रुप में क्या डालेंगे पीस के मीटर, तो मीटर 60 रुपये 75 पैसे 50 रुपये 75 पैसे और टैक्स कितना परसेंट लगेगा आपका 5% और 2 बार F2 करके सेव कर दें। कितनी क्वांटिटी खरीदी है 110, ऊपर सी है तो नीचे भी आपका क्या आ जाएगा CST ठीक है। कोई इश्यू इसमें किसी को, अब यहाँ 5% बाय डिफॉल्ट इसलिए उठ के आया क्योंकि मैंने इसके अंदर कितना कर दिया था 2 की जगह 5 और सी फॉर्म देना नहीं है इससे तो क्या कहा था टैक्सेबल ठीक है। अब इस पे जाइए F2 कीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए और F2 करके आप सेव कर देंगे। तो एक बार दोबारा ओवर ही करवा रहा हूँ, देख लो समझ लो। 4 तारीख है, बिल नंबर कितना है आपका 101, पार्टी का नाम क्या है ट्रिपल F, इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है 07 से, और अपनी कंपनी का भी टिन नंबर कितने से स्टार्ट है 07। तो कहाँ की पार्टी हो गई आपकी, दिल्ली की पार्टी होगी, दिल्ली की पार्टी हो तो क्या लगेगा वैट, वैट लगेगा। अब आपको सिखाया था सेल में कितनी तरह की बुक होती है या कितनी तरह की बुक होती है, 2 तरह की, टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस वाला कब आता है, जब मेरे पास भी टिन नंबर हो सामने वाले के पास भी टिन नंबर हो, तो किस में जाता है आपका इस वाले में। अगर आइटम 12.5 वाली होगी 12.5 डालेंगे टी, और नहीं तो आपका 5% ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, देन आगे इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है ठीक है।
तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? सी 2% टैक्स दे रहा है, तो किसमें लगेगा आपका? सी फॉर्म। इसको सी फॉर्म कर दो या फिर आप इसको सी एस टी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बीजी का फॉर्मेट अपना बना लो कि जब बाहर की पार्टी तो मुझे क्या लिखना है? सी एस टी, ठीक है, कोई दिक्कत। 2% लगा, अब इसमें ना ही टिन नंबर दे रहा ना ही टैक्स दे रहा, तो क्या बिल कटेगा आपका? सुरेंदर एग्जाम। नेक्स्ट बताओ सुरेंदर, ठीक है, नेक्स्ट वाला कैटेगरी देख के तारीख देख लो, पार्टी का नाम देख लो, टिन नंबर की कॉलम ब्लैंक है, टैक्स कैटेगरी 5% है। बताओ कौन सी वाली? रिटेल। रिटेल में तो तीन कंडीशन बताई थी, एग्जाम आर वाली हो, सी फॉर्म वाली, कौन सी कैटेगरी? वाउचर नंबर वाली देखो, बताओ ये वाली। बेफिक्र जो तेरे मन में वो बोल दे, क्योंकि जब तक गलत नहीं बोलेगा सही का आंसर नहीं मिलेगा। जो तेरे मन में बोल, जैसे ये लोग बोल देते हैं बेफिक्र होकर वैसे बोल, किस कैटेगरी में जाना चाहिए? और जो रिटेल में कौन से वाले में? टी वाले में, अभी समझाते हैं इसको। हाँ, टी वाला क्या बोला था मैंने ऊपर, कि जब मेरे पास टिन नंबर होगा और सामने वाले के पास भी, तो इसके पास क्या टिन नंबर है? तो किस में जाएगा आपका? वैट आर वाले में, इस वाले में है 5%, ठीक है, ये रीजन था, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सी फॉर्म नहीं दे रहा, ठीक है, हम इसको सी फॉर्म नहीं दे रहे। अगर हम सी फॉर्म वाली एंट्री करते तो क्या लिखते हैं हम? खाली सी फॉर्म डालते हैं और सेव, सी एस टी कर देना उसको, सेव कर देते हैं। लेकिन सी फॉर्म नहीं दे रहा तो हमने क्या करा? ओल्ड प्लस एम करा, मॉडिफाई करा, उसको क्या कर दी? 2 की जगह 5%, ठीक है, बस। अब आगे देखिए सेल के अंदर, दोबारा समझ लीजिए, सेल में टिन में कितने से स्टार्ट हो रहा है? 07 से, तो क्या टैक्स लगेगा सेल के अंदर? 5%, कौन सा? वैट टी वाला, ठीक है, ऐसी वैट 5% टी वाला। इसमें क्या जाएगा आपका? सी फॉर्म। इसमें क्या जाएगा आपका? एग्जाम, ना ही टिन नंबर दे रहा ना ही टैक्स लग रहा। अब इसमें टिन नंबर दे रहा हो लेकिन 5%, लेकिन टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? 08 से, तो कहाँ की पार्टी हो गई है? बाहर की पार्टी हो गई सुरेंद्र, कोई दिक्कत? देन इसमें कोई दिक्कत है आ जाएगी, कर दोगे? तो आप बैठ के उसको करो, अगर नहीं आता तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, आपको बताता हूँ।